नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई इंटरेस्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति पर आधारित बीए के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में, क्योंकि ये वीडियो उन छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है। हालांकि मैंने इस चैनल पर बहुत सारी हिंदी की और अन्य सब्जेक्टों की बहुत सारी वीडियो और क्वेश्चन आंसर मैंने प्रोवाइड कर रखे, फिर भी मैं लगातार आप तक क्वेश्चन और आंसर जो टॉप लेवल के हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ डे बाई डे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से समझेंगे, जो सारे क्वेश्चन और आंसर हैं ये सारे आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं वही सारे क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम से संबंधित हो, नई शिक्षा नीति पर आधारित हो और नए सेमेस्टर, आप सभी को मालूम है कि इस बार सेमेस्टर वाले एग्जाम होने वाले। तो ये वीडियो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है, जो भी हिंदी के छात्र हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे, उसका प्रयास करेंगे समझाने का, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाए और आप जब एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखें तो पूरी तरह एकदम डिटेल से लिखते चले जाएं बना बना के भी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो लघु उत्तरीय बेस के होने वाले हैं और 6 से पहले के यानी 1 से 5 नंबर के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो भी फिल्टर का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कर्म भूमिका कथा नक संक्षेप में लिखिए, तो आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है इसके बारे में आपको बता दूँ। कर्मभूमि एक प्रेमचंद जी की एक उपन्यास है, ठीक है, एक आप लोग कह सकते हैं एक रचना है, ठीक है, का कथानक, ठीक, कथानक संक्षेप में लिखना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं लिखा है क्या है। लिखा कि साहित्यकार की मानसिक अभिव्यक्त उसकी वैयक्तिक सामाजिक अनुभूति के आधार पर प्रस्तुत होती है। कथानक के अंतर्गत समाज की जीवांत घटनाएँ कल्पना के साथ प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें चरित्रों का विकास, वातावरण का निर्माण, भाषा शैली, प्रवाह तथा उद्देश्य की गंभीरता स्वतः मुखरित होती हैं, ठीक है। प्रस्तुत उपन्यास का कथानक विभिन्न घटनाओं को एक साथ लेकर चलता है, किंतु सब में अद्भुत सुसमृता है। संक्षिप्तता, रोचकता एवं सरसता के कारण प्रस्तुत उपन्यास का कथानक एक श्रेष्ठ कथानक बन बैठा है। कहा जाता है कि साहित्यकार की भाव भविमा का उच्च मानवीय धरातल उसके कथानक के रूप में परिणित होता है, जिसमें सामाजिक परिवेश का आधुनिक संदर्भ स्वतः स्पष्ट होता है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रस्तुत उपन्यास का कथानक उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में ठीक ही प्रतीत होता है। कर्मभूमि की मुख्य कथा की धारा का संबंध अमरकांत, नैना, सुखदा एवं समरकांत से है, यानी कि ये जो भी इस उपन्यास के जो पात्र हैं उनका नाम है, ठीक है। और लिखा है कि प्रस्तुत उपन्यास के कथानक की समाप्त प्रेमचंद्र जी ने भारतीय रीति के अनुसार किया है, साथ ही इस उपन्यास के कथानक में गांधीवादी विचारधारा का सम्यक समावेश दिखाई पड़ता है। यानी कुल मिला के ये जो कर्मभूमि श्री प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसमें अमरकांत, नैना, सुखदा एवं समरकांत जैसे मुख्य पात्र हैं और इन्हीं के आधार पे इस उपन्यास की रचना हुई है, ठीक है, इन्हीं के बेस पे। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो हजार प्रसाद द्विवेदी जी हैं ये जो कह रहे हैं कि इसमें जो प्रस्तुत उपन्यास का कथानक जो उपयुक्त पंक्ति यानी ऊपर जो मैंने पढ़ा उसमें जो बताया गया वो इससे मिलती जुलती हैं, ठीक है। और इसमें ये मेन पॉइंट ये है कि ये जो प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कर्मभूमि जो है वो भारतीय रीति के अनुसार किया गया, ठीक है, ये भारतीय रीति के अनुसार ही इसकी रचना हुई है और इसमें कथानक में गांधीवादी विचारधारा का सम्यक समावेश दिखाई देता है, यानी कि गांधी जी की जो विचारधारा थी उससे कहीं ना कहीं ये उससे संबंधित है, ठीक है, उससे मेल खाती है। तो ये रहा कर्मभूमि का कथानक संक्षेप में लिखना, यानी कि कथानक का संक्षेप में डिटेल। आप लोग दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बार का क्वेश्चन और आंसर पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये कोई कहे तो वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है या फिर गलत कह रहा है, क्योंकि जब तक आप 2 से 3 बार क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग उसके बारे में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, या फिर इतना आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि प्रेम,
ठीक है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी की विशेषताएं बताइए, यानी कि प्रेमचंद की हिंदी कहानी के जो मेन विशेषताएं हैं उनके नाम लिखना है और उसके बारे में लिखना डिटेल में, ठीक है। तो हम आपको आंसर बता रहे हैं, लिखा है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी में यथार्थ चित्रण को ही नींव डाली थी। आगे चलकर उनका अनेकायामी प्रसार हुआ, जिसके फलस्वरूप हिंदी कहानी के क्षेत्र में यशपाल जैसे मार्क्सवादी, प्रगतिशील इलाचंद्र जोशी, जिनेन्द्र आदि कहानीकार हुए। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी में यथार्थ चित्रण की नींव डाली, यानी कि इन्होंने, जैसे आप लोगों को होता है ना कि एक पूरी बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग में शुरू में क्या होती है, नींव डाली जाती है। तो आप लोगों को मालूम है कि सर्वप्रथम जो नींव डाली है कहानी के क्षेत्र में या फिर उसके चित्रण के क्षेत्र में श्री प्रेमचंद जी ने ही डाली है, जो आगे चलकर अनेक इसका प्रचार प्रसार हुआ अनेकों बार, और अनेक जो इसके रचनाकार हैं कहानी के और भी आए, यानी कि कहानी के क्षेत्र में अनेकायामी प्रसार हुआ, जिसके फलस्वरूप हिंदी कहानी के क्षेत्र में यशपाल जैसे, यानी कि जब धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हुई कहानी के क्षेत्र में विकास हुआ, उसके बाद यशपाल जैसे मार्क्सवादी, प्रगतिशीलवादी, ठीक है, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र आदि कहानीकार, ठीक है, शामिल हुए या फिर क्षेत्र में आए। इन कहानीकारों ने प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। इन्होंने सामाजिक शोषण, दरिद्रता, नग्नता, अन्याय, अत्याचार, ठीक है, उत्पीड़न आदि को अपनी कहानियों का विषय बनाया। यानी कि इन्होंने जो रचनाएं रची हैं इन्होंने सामाजिक के आधार पर, यानी कि समाज में जो बीत रहा है या फिर हो रहा है उसी के आधार पर इन्होंने कहानी रची हैं। तो इन्होंने शोषण के क्षेत्र में इन्होंने अपना कहानी की रचना की, दरिद्रता के क्षेत्र में की है, नग्नता के क्षेत्र में की है, अन्याय के क्षेत्र में की है, अत्याचार के क्षेत्र में की है, उत्पीड़न के क्षेत्र में की है। तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है, और बताया जा रहा है कि और इनका विषय बनाया और हमारे सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के संघर्षों, मूल्यों, मर्यादाओं एवं नैतिकता के खोखलेपन को उद्घाटित किया। इस युग की कहानियाँ में आर्थिक एवं सामाजिक विषमता के दोषों, तजनित परिणामों और कुर्तियों की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। उक्त विशेषताएँ, ठीक है, उक्त विशेषताएँ फूल की चोरी, चार आने, पुतिया की होली, आदमी का बच्चा, करवा चौथ आदि कहानियाँ मिलती हैं। याद रखिएगा, ये जो सारी कहानियाँ हैं ये इस युग की कहानियों की आर्थिक एवं सामाजिक विशेषताओं, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, विशेषता के दोषों, तजनित परिणामों और कुर्तियों की मार्मिक अभिव्यक्त की गई हैं। याद रखिएगा, उक्त विशेषताएँ जो आपको बताया मैंने, एक, दो, तीन, चार, इतनी, ठीक, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लिखा है कि लिखा कि यशपाल की मार्यता, धर्म और नैतिकता के तोतेपन पर तीव्र आघात किया और उसके विरुद्ध अपने पात्रों में संघर्ष चेतना जागृत की। उनकी कहानियों में व्यंग का स्वर मुखरित हुआ है। कहानी कला में, ठीक है, स्थूल समाज चित्रण के स्थान पर उनके मार्मिक एवं सांकेतिक उद्घाटन की कला का विकास हुआ। कहानी की, ठीक है, कहानी की अस्थूलता समाप्त हुई, उसे सूक्ष्म संगठित व्यक्तिवाद प्राप्त हुआ। इस मार्क्सवादी यथार्थवादी कला दृष्टि को, ठीक है, प्रश्रय देने वाली कहानीकारों में रंगे, राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन आदि हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने शोषण, अन्याय और पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष भाव की प्रेरित करने वाली कहानियाँ लिखी, यानी कि जो समाज में व्यतीत हो रहा है उस पर कहानियाँ लिखी, ताकि जो समाज में गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि जो खराब जो प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे, वो कहानी पढ़ के उनको उसे सीख मिले, जिससे वो समाज में ना हो जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी आधार पे इन्होंने रचनाएं रची हैं। और लिखा कि रंगे राघव ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष, बंगाल का अकाल, देश विभाजन, मजदूर की देशव्यापी हड़तालों, गोलीकांडों, बेरोजगारी और भुखमरी आदि के विषय बनकर जो कहानियाँ लिखी हैं वे उनके सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का पता देती हैं। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो हड़ताल को, ठीक है, हड़तालों को, गोलीकांडों को, बेरोजगारों को, भुखमरी आदि को विषय बनाकर, यानी कि कहीं पर भुखमरी है, कहीं पर हड़ताल हो रही है, कहीं पर गोली बारूद हो रही है, उसके आधार पर, ठीक है, इन्होंने कहानियाँ बनाई हैं। वे कहानी सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का पता देनी, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में जागरूक करने का काम करती हैं।
तो ये रहा पूरा का पूरा प्रेमचंद्र की, ठीक है, हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताएं जो आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। आप लोगों की ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग दो चार पॉइंट पकड़ के उसके बारे में लिखते जाइए, लिखते जाइएगा, आप लोग के वर्ड नहीं ख़त्म होंगे अगर ये आप आंसर दो से तीन बार पढ़ लेंगे तब, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस वीडियो में लिखा है कि समांतर कहानियों की विशेषताएँ बताइए। तो समांतर ध्यान रखिएगा, समांतर कहानियों की विशेषताएँ जो हैं वो निम्नवत हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ उस वीडियो में, याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि 1971 के आसपास कमलेश्वर के द्वारा लिखित कहानियों, ठीक है, कहानियाँ ने समांतर कहानी का आंदोलन का प्रवर्तन माना जा सकता है। समांतर से उनका तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं के समांतर प्रतिष्ठित करने का है, इसलिए उन्होंने कहानी के क्षेत्र में समाज और जीवन को व्यापक रूप से ग्रहण करते हुए उसकी भिन्न स्थितियाँ विषमताओं, ठीक है, विषमताओं एवं विद्रूपताओं को अंकित करने का लक्ष्य घोषित किया। इस आंदोलन की कहानियों में निम्न वर्गीय समाज की विभिन्न स्थितियाँ विषमताओं एवं समस्याओं का अंकन बारीकी से हुआ है। यह पुरुष और नारी संबंधों का चित्रण एवं भोगों के नियंत्रण में सफल रहा है। इस कहानी आंदोलन का प्रचार सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। इसके लगभग 10 अंक प्रकाशित हुए। इन कहानियों में समय समाज राजनीति की चिंताओं तनावों सृजनशीलता से सीधा रिश्ता कायम किया। आपातकाल, ठीक है, सेक्स हिंसा, विचारधाराओं की दिशाहीनता, भ्रष्टाचार, मानव द्रोही राजनीति सभी का चित्रण है। इस धारा ने मनुष्य की हालात को परिभाषित कर ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारी अमूल्यवान एवं निराशा को जन्म दिया। व्यक्ति यातना एवं क्षोभ में पिस्ता दिखाई दिया। इन लेखकों एवं कहानीकारों ने समय समाज की चुनौती से उपजी बौद्धिक चिंताओं का सृजनशीलता से सीधा रिश्ता कायम किया। इनकी कहानियां न केवल राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों के भ्रष्टाचार चैतहीनता प्रत्यक्ष टिप्पणी व्यंग वक्रतियाँ खींच आक्रोश गुस्सा एवं विद्रोह की मुद्राएं हैं, वरन मानवीय यथार्थता के सभी सरोकार सक्रिय हैं। लेखकों ने अपनी गहरी सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता का एहसास कराया है। लोकतंत्र का भीतरी खोखलापन, कांग्रेसी समाजवाद का ढोंग और छल पूंजीपतियों से साठ गांठ की चरित्रहीनता, जनता का भयंकर शोषण, श्रम का परायापन, आत्मनिवर्षण, ठीक है, निवारसन आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आपने देखा कुल मिला के इसकी जो विशेषताएं आपने पढ़ी, जो कि मैंने आपको बताया कि पूंजीपतियों से साठ बाट की चरहीनता, जनता का भयंकर शोषण, तो ये मेन पॉइंट है। इसको आप लोग हेडिंग बना के लिख देंगे तो आप लिखते जाएंगे आसानी से। आप लोगों को जनता का भयंकर शोषण, यानी कि जनता के साथ क्या क्या विद्रोह हुआ या उनके साथ साथ क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, ठीक है, उनका किस तरह से शोषण किया गया, ठीक है। श्रम का परायापन यानी कि जो भी रोजगार मिला उसमें परायापन देखने को मिला, ठीक है। आत्मनिर्भरसन आदि की प्रमुख विशेषता, यानी स्वयं पर आत्मनिर्वासन के बारे में प्रमुख विशेषताएँ यहाँ पर आप लोगों ने देखी, जो कि समांतर कहानी की विशेषताएँ थी, ठीक है। तो आप लोग एक दो बार फिर से आंसर पढ़ लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा। एक दो पॉइंट पकड़ लेंगे तो लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि लघु कथा के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं आंसर पढ़ के। लिखा है कि आकार प्रकार से लघु कथाएं गद्य गीतों के निकट होती हैं। लघु कथा में कथाकार एक संदेश, विचार या अनुभूति को साधारण प्रतीत करने वाली कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कि लघु मतलब कि ठीक है, लघु आकार प्रकार में लघु कथाएं जो भी छोटी, ठीक है, आकार में छोटी, यानी कि ज़्यादा बड़ी नहीं, मीडियम साइज़ की, ठीक है। जैसे लघु उत्तरी क्वेश्चन होते तो न ज़्यादा लॉन्ग होते हैं न ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उसी प्रकार से ये है, लघु कथाएं गद्य गीतों से निकट होती हैं, यानी कि गद्य गीतों से निकट होती है। लघु कथा में कथाकार एक संदेश, विचारधारा या अनुभव का साधारण प्रतीत होने वाली कहानी के रूप में, ठीक है, प्रस्तुत करता है। यानी कि लघु कथा में एक संदेश होता है, एक विचार की अनुभूति की जाती है, यानी किसी कोई भी संदेश हो, किसी की किसी कथा के माध्यम से किसी को संदेश देना हो, ठीक है,
और विचार रखना हो, उसको महसूस करना हो, ठीक है, वही साधारण प्रतीत होने का हाल ही के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका अन्य नाम बोध कथा भी है, यानी कि जो लघु कथा है इसका जो अन्य नाम है वो है बोध कथा, याद रखिएगा। इसके बाह्य रूप में कथा का साक्षात्कार हो जाता है, यानी कि इसके बाह्य, यानी कि आप सभी को मालूम है कि बाह्य रूप में कथा का साक्षात्कार है हो जाता है। ये कथाएं लघु होने के साथ प्रतीकात्मक एवं रहस्यात्मक होती हैं, यानी कि प्रतीत तो होता है साथ साथ में ये रहस्यमयी होती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इनकी रहस्य बना होता है, यानी कि कोई चीज़ कहते नहीं है कि आप लोग कहते नहीं कि ये चीज़ रहस्य ही नहीं होने दो, ये ज़्यादा फैलाओ मत, तो ये रहस्य ही रहने दो, यानी कि दो चार ही लोगों में जानकारी हो, तो वही हो गई है, ठीक है। और लिखा कि जीवन के यथार्थ को भी व्यंग्यात्मक के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लघु कथाकार गंभीर एवं रुचिकर विषयों पर ही कथा लिखता है, यानी कि ये, यानी कि जो लघु कथा, ठीक है, लघु कथाकार गंभीर एवं रुचि, यानी कि जो भी कथाएं गंभीर होती हैं, ठीक है, जो भी कथाएं गंभीर होती हैं, किसी में किसी का इम्पैक्ट पड़ा हो, किसी का प्रभाव पड़ा हो, या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है, रुचिकार विषयों पर जिसमें रुचि हो, यानी कि जो भी लेखक है या फिर कहानीकार है जिसको जिस चीज़ में रुचि है कि इस सब्जेक्ट में लोगों को रुचि है और कहानीकार को भी रुचि है उसी पर ही कथा लिखता है, याद रखिएगा, ठीक है। और लिखा है कि लघु कथा का लेखन प्रायः कम होता है, यानी कि जो भी लघु होती हैं, लघु कथाएं, उनका जो लेखन है वो बहुत कम कवियों द्वारा किया जाता है, या फिर वो बहुत कम कथा होती है, ठीक है, बहुत कम कथा लिखी जाती है। और लिखा कि लघु कथाकार सामाजिक नैतिक अमूल्यवान, ठीक है, अमूल्यन का पर्दाफाश करता है, यानी कि सामाजिक के नैतिक अमूल्यन का पर्दाफाश, यानी कि वो पर्दाफाश का मतलब ये होगा इस पार से उस पार दिखना, यानी कि जो साफ साफ नज़र आए और साफ साफ दिखे और साफ साफ समझ में आए, तो उसे कहते हैं पर्दाफाश, ठीक है, साफ सुथरा। लिखा है कि लघु कथा गद्य की विविध विधाओं में से एक विधा है, यानी कि लघु जो कथा है वो गद्य की जो विधाएँ हैं, आप सभी को मालूम कौन कौन सी विधाएँ मैंने आप लोगों को बताई थी, नाटक, ठीक है, कहानी, उपन्यास, और भी मैंने बहुत सारी जो आप लोगों को बताई हैं विधाएं, उसी में से लघु विधा भी एक, लघु कथा भी एक विधा है, किंतु इसका प्रचलन अधिक नहीं हुआ, जैसे कि कहानी का प्रचलन आप सभी को मालूम बहुत हुआ, उपन्यास का भी प्रचलन बहुत हुआ है, ठीक है, और आप लोगों को मालूम है कि वो हो गया क्या बोलते हैं, कहानी, उपन्यास और भी बहुत सारी जो विधाएं मैंने आप लोगों को उस दिन बताई थी, तो उन सभी की अपेक्षा जो कथा भी, लघु कथा विधा है उसका अधिक प्रचलन या फिर विकास नहीं हुआ है। ये छोटे आकार की किंतु सर्वगर्भित होती हैं, कथाकार बड़ी बेबाकी की, ठीक है, बेबाकी से अपने मन की व्यथा व्यंगों के माध्यम से प्रस्तुत कर देता है। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, ठीक है, रावी, जगदीश चंद्र मिश्र, लक्ष्मी चंद जैन आदि उल्लेखनीय लघु कथाकार हैं, यानी कि ये जो हैं आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो ये लिख दीजिएगा कि ये सभी जो हैं कन्हैया लाल मिश्र जी, रवि, जगदीश चंद मिश्र जी, लक्ष्मी चंद जी, ये जो हैं वो लघु कथाकार हैं। राम नारायण उपाध्याय कृत नाग का सवाल और हरिशंकर प्रसाई कृत, यानी कि यहाँ पर उनके रचना है और इनकी रचनाकार हैं, ठीक है, रचनाकार हैं और रचना है उनकी, यानी कि कथा जो मैंने आपको बताई लघु कथा। और लिखा कि हरिशंकर प्रसाई कृत लघु कथाओं के संग्रह रचनावली एक और रचनावली टू के प्रकाशन से यह विधा समृद्ध हुई है। छोटी छोटी कथाओं में जीवन के, ठीक है, अमृत तुल्य संदेशों को गूंथना आसान नहीं है। तो ये कुल मिला के रही लघु कथा के बारे में एक स्वरूप, यानी कि छोटा सा संक्षिप्त परिचय या फिर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आप लोगों के एग्जाम में आ जाए तो लघु कथा आप लोगों का ध्यान में रखना है कि एक विधा है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, ये है। क्योंकि मुझे कभी कभी यह होता है दोस्तों कि सारी विधाएं मुझे, देखो अभी मुझे सारी, अभी उस दिन मैंने आपको बताया था सारी विधाएं मुझे याद थी, अब थोड़ा बहुत टाइम पे नहीं याद आती, जैसे कि लघु कथा विधा हो गई और कहानी हो गई, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारी विधाएं याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को मैंने लघु उत्तरी व्यास के क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड किए हैं, जो कि आप लोग एक से दो बार वीडियो देखेंगे, दो बार तीन बार, तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। कोई आप लोगों को इशू होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।